बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो तूफान मचा हुआ है उसके सबसे अहम किरदार हैं ममता सरकार में उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी पहले बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। आरोप है कि उन्हीं के दौर में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। पार्थ चटर्जी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के सैकड़ों नेताओं में से एक नहीं है, उनकी खास जगह है। उन्हें ममता बनर्जी का दायां हाथ माना जाता है। उन्हें उनके शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने के बाद ममता सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उनहत्तर साल के पार्थ चटर्जी वो नाम है जिनका चेहरा बंगाल की राजनीति में अब हर कोई जानता है। पार्थ चटर्जी ईश्वर नामे शपथ करते थे। ममता बनर्जी की सरकार में अगर कोई मंत्री सबसे ताकतवर माना जाता है तो वो है पार्थ चटर्जी। चटर्जी ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकारों और सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। उनकी गिरफ्तारी ने ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी के 5 दशक लंबे राजनीतिक सफर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। चटर्जी ने 60 के दशक के अंत में कांग्रेस की स्टूडेंट विंग छात्र परिषद के नेता के रूप में राजनीति में कदम रखा। तब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वो तत्कालीन तेज तर्रार युवा नेताओं सुब्रत मुखर्जी और प्रिय रंजन दास मुंशी से प्रेरित थे। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद 1970 के दशक के बीच पार्थो चटर्जी ने एक कॉरपोरेट नौकरी करना शुरू कर दिया। उनका राजनीतिक करियर यहां थम सा गया। लेकिन 25 वर्षों तक राजनीति से भले ही वो दूर रहे हों, हालांकि राजनीतिक गतिविधियों पर राज्य की और देश की दोनों पर हमेशा नजर बनाए रहते थे। पार्थ चटर्जी भी उस बंगाली समुदाय का एक हिस्सा है जो बंगाली भद्रलोक की अवधारणा को पूरा करता है, यानी पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी के अलावा बंगाल की संस्कृति, सोच और राजनीति को जिसने आत्मसात कर लिया हो। पार्थ चटर्जी का जन्म 6 अक्टूबर 1952 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन विद्यालय नरेंद्रपुर से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने आशुतोष कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की। कलकत्ता विश्वविद्यालय से MBA पूरा करने के बाद चटर्जी ने एंड्री यूल के साथ एक HR प्रोफेशनल के तौर पर काम किया। ममता बनर्जी के कांग्रेस से अलग होने और 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन करने के बाद पार्थ चटर्जी ने सक्रिय राजनीति में उतरने का फैसला किया। वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर 2001 से लगातार 5 बार बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। चटर्जी का सियासी सफर 2006 में तब शिखर पर पहुंचा जब विधानसभा में वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेता बने और बाद में नेता प्रतिपक्ष बने। वो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद बन चुके थे। जब ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम में कथित जबरन भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर बंगाल की सड़कों पर शक्तिशाली वाम मोर्चा शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो चटर्जी विधानसभा में विपक्ष की आवाज बन गए। पार्थ चटर्जी उस समय सबसे आगे थे जब उनकी पार्टी ने भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेरा। 2007 में बनर्जी ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया। 4 साल बाद यानी 2011 में पार्टी के सत्ता में आने के बाद पार्थ चटर्जी को उद्योग और संसदीय मामलों का प्रभार दिया गया। हालांकि साल 2014 में एक कैबिनेट फेरबदल में उन्हें उद्योग विभाग से हटाकर शिक्षा विभाग दिया गया। वो साल 2014 से 2021 तक शिक्षा मंत्री रहे। बताया जाता है कि उनके इसी कार्यकाल के दौरान शिक्षक भर्ती में अनियमितताएं हुईं। 2021 में पार्टी लगातार 3री बार सत्ता में लौटी तो उन्हें उद्योग और संसदीय मामलों का विभाग दिया गया। राजनीतिक गलियारों में पार्थो चटर्जी को एक बहुत ही मिलनसार नेता के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा नेता और एक ऐसा मंत्री जिससे कोई भी कभी भी जाकर मिलकर बात कर सकता है। इससे पहले भी अपने राजनीतिक करियर में उनका नाम एक पोंजी स्कीम के स्कैम में आया था जिसकी जांच CBI कर रही है, लेकिन तब उसे ये कहकर दरकिनार कर दिया गया था कि ये राजनीतिक साजिश है। हालांकि इस बार वो फंसते नजर आ रहे हैं।
पार्थ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस के काफी वफादार कार्यकर्ता जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्टी कैसे चलानी है, किन लोगों से संपर्क करना है, पार्टी के लिए फंड की व्यवस्था कैसे करनी है, इसके लिए ममता बनर्जी जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करती है वो है पार्थ चटर्जी। मीडिया में भले ही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम छाया रहता हो, लेकिन पार्टी के अंदर चटर्जी की जरूरत का अंदाजा हर किसी को है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार होने पर पत्रकारों ने भी उनसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या उनकी बात ममता बनर्जी से हुई है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, खास तौर पर उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी से मिले 20 करोड़ रुपए मिलने के बाद सबसे बड़ी उंगली उन पर ही उठ रही है। ईडी की टीम को आशंका है कि शिक्षा भर्ती मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, करोड़ों रुपयों का लेन देन किया गया है। इस मामले में अब सबूत जुटाए जा रहे हैं। पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार करने से पहले भी सीबीआई दो बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। पहली बार पूछताछ 25 अप्रैल जबकि दूसरी बार 18 मई को की गई थी। बंगाल में इस कथित घोटाले को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। वो बंगाल की आर्थिक हालत खराब होने के पीछे घोटालों को जिम्मेदार बता रहे हैं। दुर्भाग्यजनक घटना है जो बंगाल शिक्षा के बारे में अपने आप में देश को प्रेरित करता था, उस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का जो आज हाल है, शिक्षा मंत्री को हाईकोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है सामान्य नौजवानों की आपत्ति पे सीबीआई इंक्वायरी हो, इंक्वायरी के माध्यम से उनके घर से 21 करोड़ रुपया की नगद मिलता है, वो गिरफ्तार होते हैं, मंत्री पद में वो हैं, यही बंगाल की आज की स्थिति को दर्शाती है। ये बहुत ही गंभीर बात है। कहाँ ले जाना चाहता है यहाँ का सरकार बंगाल की नौजवानों को, उनकी रोजगार को, उनकी चाकरी को, ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। कानून अपने रास्ते में जाएगा, उसको एक निर्णायक मोड़ तक लेके जाएगी। ये सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। We have seen CBI and ED investigations in different cases. Time taking too long, and the advantage goes to the oppositions. They are making a distorted campaign against us. So we demand a time bound, maybe in 1 month or 2 months, a time bound inquiry on this particular subject and regarding Partho Chattopadhyay. If we have made it very clear that Trinamool Congress will not support anything wrong, if the investigating agency submits any kind of proof to the court and the court acknowledges that facts, then Trinamool Congress will not take a further second to announce next step against that heavyweight leader. ये तय है कि शारदा घोटाले, नारदा घोटाले, कोयला घोटाले के बाद अब शिक्षा भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और उनकी पार्टी फिर गिर सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।